नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा 16 जून को पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले किले के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2:30 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस दूसरे वनडे मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस दूसरे वनडे मुकाबले के लिए पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले में पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले के लिए पल्ले केले की वेदर रिपोर्ट क्या है और इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस दूसरे वनडे मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए पल्ले केले की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मुकाबले के लिए, वो थोड़ी सी खराब है, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले के दौरान आपको क्लाउडी कंडीशंस तो देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको थोड़ी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो दोस्तों, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पर दोस्तों, ये भी फोरकास्ट है कि दिन के टाइम पर आपको थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकता है और 50% बारिश की संभावना है। वहीं पर अगर हम इवनिंग की बात कर लें तो इवनिंग में भी 50% बारिश की फोरकास्ट है और एक थंडरस्टॉर्म भी आ सकता है। यानी कि दोस्तों, ये मैच भी बारिश से प्रभावित रह सकता है, जैसा कि पिछले वनडे मुकाबले में हमें देखने को मिला था। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और होपफुली आपको ये मुकाबला पूरा देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो लास्ट 5 ODI मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी कि चेजिंग साइड ने, 2 मैचेस जीते हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 292 रन का रहा है। वहीं पर एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 247 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन लास्ट 5 मैचेस के एवरेज इनिंग्स के स्कोर से देख सकते हो कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, इसलिए आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 300 के करीब का नज़र आ रहा है। जो पिछले 5 ODI मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उनमें से दोस्तों 4 मैचेस में जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो आपको 290 के ऊपर या फिर 300 के ऊपर बनता हुआ नज़र आया है, और इन 4 मैचेस में से 2 मैचेस में ये स्कोर चेस हो गया है, जबकि जो बाकी के 2 मैचेस में स्कोर डिफेंड हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से डिफेंड हुआ है। मतलब जो टीम चेस कर रही थी वहाँ पर 10 रन के अंतर से या फिर 15 रन के अंतर से वो मुकाबले हारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बैटिंग के लिए कंडीशंस पूरे मैच के दौरान ही अच्छी रहती हैं और इसलिए यहाँ पर जो टीम चेस करती है उसके मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो फर्स्ट इनिंग्स का पार स्कोर है वो 300 रन का माना जाता है। मतलब अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में 300 या इसके ऊपर का स्कोर बना देते हो तो फिर दोस्तों आपके पास मैच जीतने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद चेजिंग टीम के पास ही एडवांटेज रहता है, जैसे कि हमने आप फर्स्ट ODI मुकाबले में भी देखा था, जहां पर श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस स्कोर को चेस कर लिया था। तो इसलिए दोस्तों, इस दूसरे ODI मुकाबले में भी मुझे लगता है कि जो टीम चेस करेगी उसके पास मैच जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 300 के ऊपर रन बना दिए, यानी कि 310 320, तब फिर दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम के पास मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस लास्ट 5 मैचेस जो यहां पर खेले गए, अगर हम उनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो जो हाईएस्ट टोटल बनाया वो श्रीलंका ने बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 307 ऑल आउट। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल है वो जिम्बाब्वे की टीम का है श्रीलंका के खिलाफ 70 ऑल आउट। वहीं पर जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो श्रीलंका ने किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो भी श्रीलंका ने किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, जो पिछले 10 ODI मैचेस इस मैदान पर खेले गए, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 96 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 52 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टैट्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 10 मैचेस में फास्ट बॉलर्स को लिए ज़्यादा मदद रही है, इसलिए फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेट चटकाए हैं कंपेयर टू स्पिनर्स। लेकिन जो पहला ODI मैच इस मैदान पर खेला गया था, वहाँ पर हमने देखा था कि स्पिनर्स का डोमिनेशन हमें देखने को मिला था। उस मैच में दोस्तों कुल 11 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए थे, जबकि सिर्फ 3 विकेट्स फास्ट बॉलर्स को मिले थे, जहाँ पर दोस्तों जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं उन्होंने उस मैच में 6 विकेट निकाले थे, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 4 विकेट मिले थे और राइट आर्म ऑफ स्पिनर ने 1 विकेट लिया था। तो
पूरी तरीके से डोमिनेट किया था दोनों टीमों की तरफ से स्पिनर्स ने उस मुकाबले में, और इस मैच में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिच है वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है जहां पर आपको स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद इस पिच पर नहीं रहने वाली है, स्पेशली दोस्तों जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं वो इस पिच पर ज़्यादा घातक साबित होंगे कंपेयर टू राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के। वहीं पर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को रखना होगा, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, और उन 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले श्रीलंका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो दोस्तों श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पहले ओडीआई मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था जहां पर उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 300 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। स्पेशली जो इनके टॉप 3 बल्लेबाज थे उन्होंने बेहतरीन पारियां खेली थी, तो यहां पर बल्लेबाजी में मुझे कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही है। वहीं पर अगर गेंदबाजी की बात कर लें तो जो इनके स्पिनर्स हैं सभी ने बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, और एक समय जो मैच है वो काफी ज्यादा रोमांचक हो गया था, लेकिन अंत में ग्लेन मैक्सवेल ने बेहतरीन पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उस मुकाबले के बाद हारने से ये अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेंगे। अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ ही श्रीलंका की टीम आपको दूसरे ओडीआई मैच में भी खेलते हुए नजर आ सकती है जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं पतुम निसंगा के साथ धनुषा गुणतिलका, नंबर 3 पर आ सकते हैं विकेट कीपर कुसन मेंडिस, नंबर 4 पर चरित असलंका, नंबर 5 पर धनंजय डिसिल्वा, नंबर 6 पर कैप्टन दसुन शानका, नंबर 7 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर चमिका करुणा रत्ने, नंबर 9 पर दुष्मंता चमीरा, नंबर 10 पर दुनित विलालगे और नंबर 11 पर महेश दीक्षाना आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले ओडीआई मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल करी थी जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने बेहतरीन मैच विनिंग नॉक खेली थी। तो उस मुकाबले में मिली जीत के बाद ये अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, मोर और लेस वैसे ही प्लेइंग 11 के साथ आपको इस मैच में भी खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक फोर्स चेंज आपको इनकी प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा क्योंकि मार्कस स्टोइनिस इंजरी की वजह से इस पूरी ओडीआई सीरीज से रूल आउट हो चुके हैं, और उनकी जगह पर मुझे लगता है कि टीम मिचेल सेप्सन को खिला सकती है जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, क्योंकि पहले ओडीआई मुकाबले में हमने देखा था कि जो दोनों टीमों की तरफ से लेग स्पिनर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा विकेट चटकाए थे, लेग स्पिनर्स को इस पिच से काफी ज्यादा हेल्प भी मिल रही थी। तो इसलिए दोस्तों आपको मिचेल सेप्सन ये मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर के साथ कैप्टन एरन फिंच, नंबर 3 पर आ सकते हैं स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 पर मार्नस लाबुशेन, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर विकेट कीपर एलेक्स कैरी, नंबर 7 पर एश्टन एगार, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल सेप्सन, नंबर 10 पर झाई रिचर्डसन और नंबर 11 पर जॉश हेजलवुड आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे वनडे मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें दोनों टीमों के बीच खेले गए लास्ट 10 ओडीआई मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा साफ तौर पे भारी नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 मैचेस ही जीत पाई है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सभी 5 वनडे मैचेस जीते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की, तो श्रीलंका की टीम ने अपने पिछले 5 ओडीआई मैचेस में से 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मुकाबले हारे हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी अपने पिछले 5 ओडीआई मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं जबकि 2 मुकाबले हारे हैं। लेकिन दोस्तों श्रीलंका की टीम अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार कर आ रही है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जो करंट फॉर्म है वो ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की जो कि इस मैदान पर अभी तक हमें देखने को मिली है। तो श्रीलंका की टीम ने इस मैदान पर 10 मैचेस खेले हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मैचेस खेले हैं। श्रीलंका का जो विनिंग परसेंटेज है वो 40 है जबकि ऑस्ट्रेलिया का 100% विनिंग परसेंटेज है, यानी कि सभी मैचेस वो जीत चुके हैं। एवरेज स्कोर के मामले में श्रीलंका बेहतर है 268 जबकि ऑस्ट्रेलिया का 224 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी श्रीलंका थोड़ा सा बेहतर है 307 जबकि ऑस्ट्रेलिया का 282 है। लोएस्ट स्कोर के मामले में भी यहां पर श्रीलंका थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है 195 जबकि ऑस्ट्रेलिया का 192 है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो विनिंग परसेंटेज है वो 100% है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि यहां पर खेले गए सभी मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऐसे में दोस्तों इस मैदान पर परफॉर्मेंस वाइज ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। वहीं पर जो करंट फॉर्म है वो भी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रही है, ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले के लिए जो स्ट्रांग टीम है वो ऑस्ट्रेलिया ही नजर आ रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो यहां पर दोस्तों ओपनिंग के मामले में जो श्रीलंका
श्रीलंका की टीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के मामले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, वहीं पर बैटिंग डेप्थ के मामले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ही ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो श्रीलंका के पास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मौजूद है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है श्रीलंका के कंपैरिजन में, लेकिन जो बॉलिंग है वो इस पिच के हिसाब से श्रीलंका के पास ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में दोस्तों ये श्रीलंका की बॉलिंग वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मुकाबला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में भी एज अ फेवरेट स्टार्ट करेगी और इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाने वाली है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप श्रीलंका की टीम की तरफ से चरित असलंका के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 506 रन बनाए हैं 51 के एवरेज और 92 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप दसुन शानेका के साथ भी जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 237 रन बनाए हैं 26 के एवरेज और 87 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से एरन फिंच को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 7 मैचेस में 316 रन बनाए हैं 45 के एवरेज और 89 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप स्टीवन स्मिथ के साथ भी जा सकते हो, पिछले 4 मैचेस में 269 रन स्कोर किए हैं 67 के एवरेज और 131 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले श्रीलंका के गेंदबाजों की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 6 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं 5.13 की इकॉनमी और 30.54 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप लेग स्पिनर जेफरी वैंडरसे को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो अगर वो ये मुकाबला खेलते हैं तो, पिछले 3 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं 4.63 की इकॉनमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड के साथ भी जा सकते हो, पिछले 6 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 4.96 की इकॉनमी और 26.50 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से राइट आर्म लेग स्पिनर मिचेल सेप्सन को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो, क्योंकि ये जो पिच है वो एक बार फिर से लेग स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप श्रीलंका की टीम की तरफ से किसी फास्ट बॉलर को इस फैंटेसी 11 में रखना चाहते हो तो फिर आप दुश्मंता चमीरा के साथ भी जा सकते हो। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम ये दूसरा वनडे मुकाबला जीतने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।